आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो सेविंग अकाउंट है उसका वेलकम किट। आप लोग देख सकते हैं इसका वेलकम किट है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या दिया जाता है और वेलकम बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी इसमें सेविंग अकाउंट ओपन कराना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन वीडियो के वैसे के थ्रू इंस्टेंट अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और विद इन 7 डेज आपका जो है वेलकम किट जो है आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है। तो आज देख सकते हैं इसका पैकेजिंग एकदम सिंपल सा है, कोई खास नहीं है, लेकिन बड़ा सा पैकेजिंग है, थोड़ा देखने से लग रहा है कि इसमें कुछ है। और मैं इस बॉक्स को ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ तो यहाँ पे जो है आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ रहेगा, बदलाव हमसे है जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम लोग अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको एक पूरा बॉक्स ही दिया जाता है जिसमें आपका सारा कुछ रहता है। तो ऐसा कुछ आपका कुछ रहेगा कुछ, और ये बुकलेट टाइप का है जैसा कि देखने से लग रहा है, और इसमें सारा कुछ आपका डिटेल दिया रहा है। तो इसे मैं जैसे ही आप ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक खंधा बना हुआ है जिसमें आपका सारा जो चीज़ है रखा हुआ है। तो यहाँ से आपको यहाँ एसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं इसको साइड में रख दे रहा हूँ और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक गेटवे टू डिजिटल बैंकिंग, ऐसा कुछ करके एक आपको कार्ड दिया जाएगा और इस कार्ड में ज़्यादा कुछ नहीं है। और AU 0101 एप्लीकेशन के थ्रू आप सारा कुछ एसेस कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर सारा कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद इस बॉक्स में हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे एक कुछ करके एड्रेस वड्रेस लिखा रहेगा, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और इसमें आपको दिया जाएगा फिर से एक कोई सा होगा टर्म्स एंड कंडीशन चार्जेज वगैरह कि क्या क्या आपको इसमें सर्विसेज फी इसमें क्या क्या आपको सर्विसेज दिए जाएंगी ये इसमें लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चेकबुक दे दिया जाएगा जिसमें आपका जो है लगभग मेरे को लग रहा है कि 50-60 पेज का चेकबुक है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल बैंक दे देते हैं पतला सा 10 पेज का चेकबुक, ऐसा कुछ नहीं, देखने से काफ़ी मोटा लगता है। और यहाँ से मतलब आपको यहाँ पे एक मोटा सा चेकबुक भी दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और बुकलेट दिया जाता है, यहाँ पे एक और बुकलेट दिया जाता है, इसमें आपका एड्रेस और मेरे को लग रहा है कि इसमें जो है डेबिट कार्ड रखा हुआ है SBI फाइनेंस का, चलिए इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद एक और दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसी के बारे में बताया गया गेटवे टू डिजिटल लाइफ। और इसको ओपन करेंगे तो और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, और एक बुकलेट और दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब यानी इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। तो इसे कोई तो पढ़ता नहीं है, और चेकबुक दिया गया है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। और ये एक जो है बेनिफिट्स अट्रैक्टिव बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी आपका लिखा हुआ रहेगा, आपका मेल आईडी, पर्सनल डिटेल, आपका ब्रांच नेम लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे थैंक यू लेटर है एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे आपको इंजॉय अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन योर सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको मंथली इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, हायर रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और फीचर इज डेबिट कार्ड विथ एक्सक्लूसिव ऑफर के बारे में जानेंगे अभी डेबिट कार्ड के बारे में, और ट्रू एनीवेयर बैंकिंग का फैसिलिटी अच्छा है जैसा कि मतलब इनका बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू, और प्रोफेशनल रेट्स ऑन लॉकर रेंट्स एंड डीमैट अकाउंट पे भी कुछ आपको ऑफर दे दिए जाएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि और ज़्यादा कुछ है। बस एक जो है अच्छा लगा मेरे को मंथली पे आउट ऑन जो है आपका सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आपको एक और मिल जाएगा जो कि मैं आपको बताया हूँ, इसमें मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ, और इसमें आपका डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका सारा कुछ दिया रहेगा कि इस डेबिट कार्ड के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, थैंक यू लेटर है। और पीछे इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके चार्जेज वगैरह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका चार्जेज है 150 रुपीज़ प्लस 18% GST, और ये आपको अनुअली देना पड़ेगा, और इस डेबिट कार्ड को मैं यहाँ से निकाल देना चाहता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा करके चिपकाया हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हटा देना चाहता हूँ, और आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव और रुपे प्लेटिनम, मतलब रुपे प्लेटिनम द्वारा इस कार्ड को इशू किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं। और इस कार्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप यहां से देख सकते हैं। मैं इसको फोल्ड करके भी दिखा देना चाहता हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोगो लगा हुआ है, और यहां पे आपका रुपए, और यहां पे प्लेटिनम जो लिखा हुआ है, एक क्रोम कलर में आप बोल सकते हैं, एक सिल्वर कलर में आप बोल सकते हैं, इसको लिखा गया है। पीछे आपका जो है CVV और कार्ड नंबर दिया जाएगा, और इससे आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये डेबिट कार्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और इस कार्ड पे एक ऑफर भी रहता है अमेजोन पे, यानी हर फ्राइडे को, फ्राइडे मतलब मंथ में एक या दो बार आपको, अगर आप इस कार्ड के थ्रू या फिर कोई भी रुपए प्लेटिनम कार्ड के थ्रू अमेजोन पे बैलेंस में मनी ऐड करते हैं, देन वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ लगा। और रुपए प्लेटिनम है, चार्जेज भी कम है काफ़ी, मतलब वीज़ा वगैरह के अपेक्षा काफ़ी कम चार्जेज है, और फीचर्स आपको काफ़ी अच्छा खासा दे दिया जाता है। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी, और आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।